अजीज साहब को सलाम कर लो तो अल्लाह माफ करे, वो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। मैंने सिर्फ पीछे इतना पूछा, मैंने कहा की हाल है तारिक साहब? बस यार अल्लाह दा शुक्र है, तू सुना की हाल ने तेरे? कहने लगे जिंदगी के नेहा खानों में जब पग डंडियों पे उड़ते हुए परिंदे जब प्रवास करते हैं तो सूरज की किरणें एक ऐसी जगह चली जाती हैं जहां इंसान अपने इदराक से दूर होता हुआ शफक के उस पार चला जाता है। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे स्क्रिप्ट याद करना। हाँ छड़ बैठ यार, मैं तुम्हें बताना, ये जो सूट पहना हुआ है जिंदगी में ऐसी कटिंग्स जो होती है इंसान के खुशनुमा होने की दलील होती है और चलता चला जाता है। फिल्म में काम किया। अब देखिए नीलाम घर, बकौल उनके उन्होंने 30 साल नीलाम घर में काम किया, 30 साल से नीलाम घर कर रहे हैं। अब जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनको नीलाम घर कहाँ याद आया, एक जज्बाती सीन था, अदालत लगी हुई थी, जज बैठे हुए थे और ये खड़े हुए कह रहे हैं वो अदालत दिल की अदालत नहीं थी जहाँ का कानून उसे माफ कर देता, वहां गवाह थे, इकरार जुर्म था, बेशुमार निगज मुजस्म सवाल थी कि मैं मुनसिफ हूं या कोई और, पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत